अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी आज हम बनाएंगे स्लीव्स का ये लेटेस्ट डिज़ाइन आप यूट्यूब पर पहली बार ब्रांडेड सूट वाले इस स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे वो भी ब्रैंड वालों के स्टाइल में तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम पेस्टिंग पेपर की सीधी पट्टी लेंगे इसकी चौड़ाई है थ्री पॉइंट फाइव इंच और लंबाई आपने अपनी स्लीव के हिसाब से लेनी है पेस्टिंग पेपर को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसका मिड पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से अब वी शेप ड्रा करने के लिए हम यहाँ पर पौने इंच के गैप पर निशान लगाएंगे ऐसे ये हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और सिलाई के मार्जिन से हमने पौने इंच के गैप पर एक और निशान लगा लेना है अब ये दोनों निशान मिलाते हुए हम वी शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से ये देखें ऐसे ठीक है वी शेप हमने ड्रा कर ली है अब इस साइड पर भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है ऐसे ये सिलाई का मार्जन है ठीक है अब इस निशान को हम वी शेप के साथ मिलाते हुए क्रास में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से ये देखें ऐसे ठीक है ये हमने क्रास में मार्किंग की है यहाँ से आपने गौर से देखना है यहाँ पर हम तकरीबन वन इंच की कटवर्क बनाएंगे ये यह देखें यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और इस तरीके से हमने राउंड शेप ड्रा करनी है ये देखें ऐसे इस तरीके से क्रास में ही हम दूसरा कट ड्रा कर लेंगे ये देखें ऐसे दूसरा कट भी हमने ड्रा कर लिया है इस तरीके से इस तरीके से हमने कट ड्रा कर ली है ये देखें अब यहाँ से हल्की सी हमने क्रास में ही सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है आप यहाँ से बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं ये देखें ऐसे या हल्का सा क्रास का टच दे दें इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है अब हम कटिंग करेंगे अगर आप मज़ीद स्लीवस दिस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें मैं अक्सर आप लोगों के साथ नए नए स्लीव्स डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करती रहती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है जी तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब हम पेस्टिंग पेपर को डिज़ाइनिंग वाले फ़ैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे ये देखें हमने पेस्टिंग पेपर को डिज़ाइनिंग वाले फ़ैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है अब हम सिलाई का मार्जन रखते हुए एक्स्ट्रा फ़ैब्रिक कट कर देंगे इस तरीक़े से यह कटिंग आपने बहुत ही एहतियात से करनी है ख़ास तौर पर वी शेप में जस्ट सिलाई के बराबर कपड़ा रखना है एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देना है इस तरीके से जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है ये देखें अब हम तमाम कट्स के बराबर इस तरीके से क्रास में मार्किंग कर लेंगे ऐसे ये देखें इस तरीके से यहाँ पर भी हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है इस मार्किंग में गैप भी बराबर होना चाहिए ऐसे अब इस तरीके से हम इस मार्किंग को पकड़ेंगे और क्रीज बना लेंगे ये यह देखें यहाँ पर भी इस तरीके से हमने क्रीज बना लेनी है इस साइड पर भी इसी तरीके से हम क्रीज बना लेंगे यहाँ पर भी ऐसे अब फ्रंट साइड से हमने इसी क्रीज के ऊपर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से ये देखें ऐसे ठीक है मार्किंग करते हुए आपने हर तरफ से गैप बराबर रखना है ताकि हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बने जी तो हमने मार्किंग कर ली है ये देखें अब हम कपड़े की एक सीधी पट्टी लेंगे इस पट्टी की चौड़ाई है वन इंच इस पट्टी को हम पहले ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और इसके बाद एक बार फिर फोल्ड करेंगे और प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे और इस पट्टी को तैयार कर लेंगे इस तरीक़े से जी तो प्रेस की मदद से हमने ये स्ट्रिप तैयार कर ली है ये देखें अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ हम इस स्ट्रिप को इस मार्किंग के ऊपर इस तरीके से रखेंगे ये देखें ऐसे हमने सेट करके रख लेना है और किनारे की सिलाई लगा लेंगे हमने एक साइड पर सिलाई लगा ली है इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे बाकी तमाम स्ट्रिप्स को भी इसी तरीके से मार्किंग के ऊपर हम रखते हुए सिलाई लगा लेंगे ये देखें इस तरीके से इस मार्किंग पर भी हम इसी स्ट्रिप को रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे जी तो तमाम स्ट्रिप्स इस को इसी तरीके से हमने मार्किंग के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लिया है ये देखें बी कट में हम एक डीप कट लगा देंगे ये यह देखें यहाँ तक ठीक है यहाँ से भी आपने गौर से देखना है इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से हम नीचे की तरफ पोल करेंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल सिरे पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ये देखें ऐसे ये मार्किंग आपने बहुत ही एहतियात से करनी है इस साइड पर भी हमने इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है ये देखें अच्छे से हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है या फिर इस तरीके से मार्किंग करने के बजाय आप यहाँ पर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ सिलाई लगा लें ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है अब हम कपड़े की एक सीधी पट्टी लेंगे इसके सिरे को ऐसे फोल्ड करेंगे हमने जो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाई है इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हुआ हम इस स्ट्रिप को रखेंगे ऐसे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे यानी हमने इस स्ट्रिप का जस्ट इतना सा हिस्सा सिलाई के दबाव से बाहर की तरफ रखना है जो बारीक सी पाइपिंग का लुक दे दें एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे इस कपड़े को हम पीछे की तरफ हटा देंगे ताकि ये वाला हिस्सा सिलाई के दबाव में ना आए ये देखें यहाँ से भी हमने किनारे को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से अच्छे से सेट करते से हुए रखना है ये सिलाई हम ऊपर की तरफ से लेकर आएंगे क्योंकि हमने इस पाइपिंग को गुम सिलाई में रखना है इसलिए हम इस तरीके से ये सिलाई लगा रहे हैं इसलिए इस सिलाई को हमने बहुत ही फिनिशिंग और एहतियात से लगाना है ताकि हमारा डिज़ाइन नीट और क्लीन बने इस डिज़ाइन का सिर्फ यही मेन पॉइंट है बकिया डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान है बिगनर्स ये वाली सिलाई बहुत ही एहतियात से लगाएं जी तो हमने इस साइड पर भी सिलाई लगा ली है ये देखें एक साइड को हम नीचे की तरफ इस तरीके से निकाल देंगे ये देखें जबकि दूसरी साइड पर ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है और ऊपर की तरफ आ रहा है इसको हम कट कर देंगे ऐसे ये देखें इस तरीक़े से यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा हिस्सों को कट कर देना है अब हम कपड़े की एक सीधी पट्टी लेंगे के ऊपर इस तरीके से हमने अपनी डिजाइनिंग को सेट करके रख लेना है ये देखें इस तरीके से इसके बाद हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे ऐसे अपने डिजाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए आपने कटवर्क में बहुत ही एहतियात से सिलाई लगानी है इस तरीके से ये देखें यहाँ पर आपने वी में भी बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगानी है ऐसे इस साइड पर भी इसी तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है जी तो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ हमने सिलाई लगा ली है ये देखें अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और कर वाले हिस्सों में कट लगा देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है और आप किस इलाके से मेरी वीडियो देख रही हैं आपने ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकती हैं क्योंकि मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ वैसे भी आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ही खुशी होती है और मज़ीद वीडियोस बनाने को दिल चाहता है कर वाले हिस्सों में हमने इस तरीके से कर लगा लिए हैं अब हम अपने डिज़ाइन को पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरीके से पलट कर सीधा करते हुए हमने कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से निकाल लेना है ऐसे इसके बाद हम प्रेस कर लेंगे जी तो पलट कर सीधा करने के बाद हमने प्रेस कर लिया है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाइपिंग बिल्कुल इक्वल आई है और हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है ये देखें अब हम अपनी स्लीव लेंगे ये हमारी स्लीव की फ्रंट साइड है हम बैक साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक साइड पर हम अपनी डिज़ाइनिंग को इस तरीके से पलट कर रखेंगे ये देखें हमारी डिज़ाइनिंग नीचे की तरफ है हम अपनी डिज़ाइनिंग को ऊपर से बराबर करके रख लेंगे ऐसे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे हमने सीधी सिलाई लगा ली है अब हम अपने डिज़ाइन को सीधी तरफ पलट लेंगे ये देखें इस तरीके से और यहाँ से बराबर करते हुए प्रेस कर लेंगे जी तो हमने प्रेस कर लिया है ये देखें और अपनी सिलाई को अच्छे से बिठा लिया है अब हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे आपने ये सिलाई लगाते हुए ख्याल रखना है कि नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए ताकि हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बने जी तो हमने ये सिलाई लगा ली है आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लें अब मैं आपको डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ जी तो ये है हमारे डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक इस तरीके से यहाँ पर हमने बटन लगा लिया है और हमारा प्यारा सा ये स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हो चुका है तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़